सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही प्रेस करें इस बेल आइकन को हमारा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, आप लोगों के लिए आज एक सवाल है। झारखंड राज्य में ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर स्टील का प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग सबसे ज्यादा होता है? शायद आप में से बहुत लोगों को इस सवाल का जवाब पता होगा, फिर भी आज मैं आपको बता दूं कि वो जगह है टाटा नगर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं संजीव मिश्रा यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं झारखंड के टाटा नगर रेलवे जंक्शन के बारे में। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए इस इंपॉर्टेंट वीडियो को अंत तक। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो के नीचे दिए गए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं टाटा नगर रेलवे जंक्शन के बारे में। झारखंड राज्य में रांची रेलवे स्टेशन के अतिरिक्त और भी कई बड़े बड़े रेलवे स्टेशन मौजूद हैं। तो चलिए आज हम आपको बतलाते हैं टाटा नगर रेलवे स्टेशन के बारे में। दोस्तों, टाटा नगर जमशेदपुर शहर के रेलवे स्टेशन का नाम है जो झारखंड प्रांत में स्थित है। पहले ये बिहार का हिस्सा हुआ करता था। टाटा नगर दक्षिण पूर्व रेलवे का एक प्रमुख एवं व्यस्त स्टेशन है जो हावड़ा मुंबई मुख्य लाइन पर अवस्थित है। टाटा नगर रेलवे स्टेशन में कुल 6 रेलवे प्लेटफॉर्म और 8 रेलवे ट्रैक्स हैं। टाटा नगर रेलवे स्टेशन दक्षिण पूर्व रेलवे जोन के चक्रधरपुर रेलवे डिवीजन के अंतर्गत आता है। लगभग 100 वर्ष से भी पुराने टाटा नगर रेलवे स्टेशन के माध्यम से रोजाना 50,000 रेल यात्री आना जाना करते हैं। टाटा रेलवे स्टेशन से आपको जमशेदपुर शहर के प्रमुख स्थानों के लिए टैक्सी, ऑटो रिक्शा और सिटी बसें मिल जाएंगी। टाटा नगर रेलवे स्टेशन के नज़दीक घूमने योग्य स्थानों में जुबली पार्क, साक्षी, डिमना लेक, टाटा स्टील जियोलॉजिकल पार्क, दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और P&M हाईटेक सिटी सेंटर मॉल जैसे स्थान मुख्य रूप से शामिल हैं। टाटा नगर रेलवे स्टेशन में पार्किंग की बेहतरीन सुविधा, वाईफाई, डॉर्मेट्री, रेस्टोरेंट, क्लॉक रूम आदि सुविधाएं मौजूद हैं। इसके अतिरिक्त टाटा नगर रेलवे स्टेशन के बाहर आपको ठहरने के लिए कई सारे होटल्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों, टाटा नगर रेलवे स्टेशन की ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करें और शेयर जरूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो के नीचे दिए गए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका दिल से सादर धन्यवाद।